नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोचक पुरी है और स्किल विद पीपल के 8वें चैप्टर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस बुक के पिछले 7 चैप्टर्स के बारे में मैं अपने पिछले 6 वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ और आप इसी चैनल पर उन 6 वीडियोस को देख सकते हैं। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि स्किल विद पीपल के 8वें चैप्टर में लेस किबलिन हमें क्या बताते हैं। लेस किबलिन ये कहते हैं कि लोगों से हम हाँ कैसे करवा सकते हैं। देखिए, लोगों की हाँ सुनने के लिए सिर्फ भाग्य पर डिपेंड करना उचित नहीं है। इंसानी रिश्तों में लोगों से हाँ सुनने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और उन्हीं टेक्निक्स की बात लेस किबलिन चैप्टर नंबर 8 में करते हैं। लेस किबलिन 4 टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोगों से हाँ सुन सकते हैं। यहाँ हाँ सुनने का मतलब है कि लोगों से आप वो करवा सकें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। आइए जानते हैं वो 4 टेक्निक्स के बारे में। पहली टेक्निक में वो कहते हैं कि लोगों से कुछ करवाने के लिए उनको एक सॉलिड रीज़न दीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो जब भी आप लोगों से कुछ करवाना चाहते हैं तो उनको वो काम करने का एक रीज़न बताइए। लेकिन याद रहे कि वो रीज़न उनके भले में होना चाहिए। अगर उस रीज़न में आपका भला छुपा हुआ है तो बहुत मुमकिन है वो आपको हाँ ना कहें। तो इस बात को संक्षेप में समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि लोगों को एक ऐसा रीज़न दीजिए जिसमें उनका भला हो, ना कि आपका। और अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आपको हाँ कहें। आइए समझते हैं टेक्निक नंबर 2 में वो क्या कहते हैं। लोगों को यस क्वेश्चंस पूछिए, यानी कि लोगों को ऐसे प्रश्न पूछिए जिनका आंसर हाँ में हो। अपनी कोई भी बात लोगों से कहने से पहले जिसमें आप उनकी हाँ सुनना चाहते हैं, उनको कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जिनका आंसर संभवतः हाँ में हो। जब आप ऐसा करते हैं तो पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आ जाते हैं। आइए समझते हैं इसे किसी एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों से पूछते हैं आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने परिवार को खुश नहीं देखना चाहता? तो यानी कि इस प्रश्न का जवाब आपको हमेशा हाँ में ही मिलेगा। आप अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई व्यक्ति अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल करना चाहता है। तो देखिए, जब आप लोगों को ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका आंसर हाँ में होता है तो एक तरह से उनका सकारात्मक रवैया शुरू हो जाता है और जब उस सकारात्मक मूड में होते हैं तब उस वक्त अगर आप अपनी बात उनसे कहते हैं तो संभवतः आपको आंसर हाँ में मिलने के चांस हो जाते हैं। लेकिन इस बात में को कहने से के लिए, यानी ऐसे प्रश्न पूछने के लिए जिसमें आंसर यस में आए, आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है। वो दो बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात, जब भी आप ऐसा कोई प्रश्न पूछें उसकी शुरुआत यू से शुरू होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रश्न पूछते वक्त अपना सिर भी ऐसे हाँ में हिलाएं। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप ये टोस्टर लेना, आप एक अच्छा टोस्टर लेना पसंद करेंगे, है कि नहीं? आप अपने लिए एक बहुत बढ़िया ड्रेस लेना चाहते हैं, है कि नहीं? देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस में क्वेश्चन के साथ साथ मैंने अपना सिर भी हाँ में हिलाया। आप देखेंगे ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको इस तरह से हाँ में जवाब दे देता है। आइए समझते हैं टेक्निक नंबर 3 में वो क्या कहते हैं। टेक्निक नंबर 3 में वो कहते हैं लोगों को दो चॉइस दें,
यानी कि आप लोगों से जो भी पूछना चाहते हैं उनको दो ऑप्शंस दें आपको हाँ कहने के लिए। आपकी एक्सपर्टीज इसी में है कि आप उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछें, इस तरह की चॉइसेस दें कि जिससे आपको आंसर हाँ में मिले। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप गुप्ता जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप उनसे कहते हैं, गुप्ता जी आज दोपहर को मिलना ठीक रहेगा या कल शाम को 5 बजे? देखिए दोनों ही केसेस में अगर वो आपको किसी भी बात के लिए हाँ करते हैं तो एक तरह से आपको अपॉइंटमेंट मिल गई। अगर आप उनसे सीधा सीधा अपॉइंटमेंट की बात करते तो बहुत सारे चांसेस थे कि वो आपको ना भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने उनको दो चॉइसेस दी कि या वो आज दोपहर को सिलेक्ट कर सकते हैं या वो कल शाम को 5 बजे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो चांसेस है, संभावना इस बात की ज़्यादा है कि वो आपको किसी एक टाइम के लिए आपको अपॉइंटमेंट दे दे। आइए इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये ब्लैक शर्ट लेना पसंद करेंगे या व्हाइट शर्ट लेना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि क्या आप कोई शर्ट खरीदना चाहते हैं? आप कल से इस काम को करना पसंद करेंगे या 1 तारीख से, बजाय इसके कि आप इस काम को करना चाहते हैं? आप पेमेंट कैश से करेंगे या चेक से करेंगे, बजाय इसके कि क्या आप ये खरीदना चाहते हैं? और खासकर ये देखा गया है पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अपने बच्चों को दूध पिला सके, तो बजाय उनको ये कहने के कि बेटा आप दूध पी लो, आप इन्हें कह सकते हैं, बेटा ये आप ये एल्सा आना के कप में दूध पीना पसंद पियोगे या एक टॉम एंड जेरी के कप में दूध पियेंगे? देखिए जरूरी नहीं कि इन दो ऑप्शंस को, इस तरह की ऑप्शंस देने पर आपको हर जगह हाँ ही मिले, पर ज़्यादातर केसेस में जहाँ पर आप लोगों को हाँ या ना में से चुनने का मौका नहीं देना चाहते, यानी आप उनसे सिर्फ हाँ में ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे ये एक बहुत सफल टेक्निक है और आपको ज़्यादातर केसेस में हाँ सुनने को मिलेगा। आइए बात करते हैं टेक्निक नंबर 4 की। इस टेक्निक में लेस किपलिन कहते हैं कि लोगों से हमेशा एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको हाँ कहेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको ये जाहिर भी कर दीजिए कि आप उनसे हाँ सुनना चाहते हैं। देखिए जब आप लोगों से हाँ एक्सपेक्ट करते हैं तो ये एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस की बात है, लेकिन आप उनको जाहिर भी कर दें कि आप उनसे हाँ सुनना चाहते हैं तो ये कॉन्फिडेंस से कहीं ऊपर की बात है। आप देखेंगे ज्यादातर लोग ना हाँ में जवाब देना चाहते हैं और ना ही ना में जवाब देना चाहते हैं, वो न्यूट्रल में रहना चाहते हैं, वो ऐसे व्यक्ति की खोज में होते हैं जो उनको गाइड कर सके, जो उनको सपोर्ट कर सके, रास्ता दिखा सके। जब वो आपको देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो आपसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और वो वही करना शुरू कर देते हैं जो आप उनसे कराना चाहते हैं, और वो आपसे आपके ऊपर शक भी नहीं करते। तो ये बहुत कारगर काम करता है कि एक्सपेक्ट करना कि लोग आपको हाँ कहेंगे और उन्हें ये जाहिर भी कर देना कि आप उनसे हाँ की अपेक्षा रखते हैं। देखिए ये मनोविज्ञान का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसको 2-3 बार आप सक्सेसफुली कर लेंगे तो उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये समझा कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करें और लोग आपको हाँ कहना शुरू कर दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों का मूड को अपनी फेवर में कैसे किया जाए। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।